डिस्क्लेमर सबसे पहले चेक कर लीजिए। डिस्क्लेमर चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं बता दूं, मैं कोई सिबिल रियल एस्टेट एडवाइज़र नहीं हूं, तो जो भी मैं कुछ इसमें ट्रेड सेटअप शेयर करने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप ही की होगी। आपके एडवाइज़र से पूछ के ही ट्रेड कीजिएगा, मेरे कहने पर ट्रेड मत कीजिएगा। मैं कोई आपको कॉल नहीं दे रहा, मैं मेरा सिर्फ ट्रेड सेटअप एक शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे को मेरा ओपिनियन लगता है वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। शुरू करते हैं एनालिसिस, उसके पहले एक बार फिर से देख लीजिए डिस्क्लेमर। तो ये है HDFC बैंक के चार्ट्स, चार्ट्स पे क्या दिख रहा है, प्लस मैं उसी के साथ एक ट्रेडिंग सेटअप भी शेयर करने वाला हूँ ऑप्शंस के लिए। जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, खासकर स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन ट्रेड भी है मेरे पास। एक अच्छा ऑप्शन ट्रेड है, कम मार्जिन में एक अच्छा आपको ऑप्शन ट्रेड मिल जाएगा। तो वो ऑप्शन ट्रेड भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आता है वीडियो करना लाइक। सबसे पहले मैंने कहा था, पुराने व्यूअर्स को पता होगा, एक आधे महीने से मैं कहता आ रहा हूँ, जब HDFC 1520 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, 1520 के ऊपर की क्लोजिंग HDFC को 1545 यानी यहाँ से करीब करीब और 25 पॉइंट ऊपर लेके जा सकती है। और 25 पॉइंट ऊपर HDFC के लिए काफ़ी बड़ी बात मायने होती है। और मेरे ख्याल से आई गेस यही इसका 52 वीक हाई जो है वो 1500-1600 रुपये के आसपास का है। तो अभी फ़िलहाल के लिए HDFC बैंक ने आज ही क्लोज़ किया है 1520 के ऊपर, कल ही क्लोज़ किया था 1520 के ऊपर। कल आने वाले हैं HDFC बैंक के रिज़ल्ट, तो मंडे को जो भी एक्शन होना है वो HDFC बैंक के अंदर होगा। तो उसके लिए क्या ट्रेड ले सकते हो वो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करें तो HDFC बैंक का जो चार्ट है वो 1520 के ऊपर का क्लोज हुआ है। आज की ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आज कल का हाई क्रॉस कर देता है 1525, जो कि कल का हाई है, उसे अगर आज HDFC बैंक क्रॉस कर देता है तो इंट्राडे बेसिस के अंदर भी एक अच्छा खासा बाय बनेगा। 15 मिनट के चार्ट की मैं बात करूँ, प्लस एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है HDFC बैंक के ऊपर। एक बार टेस्ट हुआ था 1494 के आसपास, फिर दो बार अभी टेस्ट हो गया रिसेंटली 1517 और 1520 के आसपास दो बार टेस्ट हुआ है। तो ये एक ट्रेंड लाइन को भी आप फॉलो कर सकते हो, आपके चार्ट पर इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर शायद थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन चार्ट वाइज लेवल वाइज अगर मैं कहूँ तो अभी काफ़ी ज़्यादा चार्ट वाइज मैं कह रहा हूँ। रिजल्ट कैसा आना है नहीं आना है मुझे नहीं पता, रिजल्ट एक अलग इवेंट है, लेकिन चार्ट वाइज अगर मैं कहूँ तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। और 1520 की जो क्लोजिंग मिली है काफ़ी शानदार क्लोजिंग है। आज अगर इसके ऊपर 1525 के ऊपर अगर टिक जाता है तो आपको और भी अपसाइड मूव आता हुआ देखने को मिलेगा। प्लस अब कल एक रिजल्ट भी है, HDFC बैंक का रिजल्ट भी है, तो उसको भी अगर आपको ट्रेड करना है, क्योंकि चार्ट पॉजिटिव है। अब रिजल्ट पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है वो मुझे नहीं पता। नेगेटिव आता है तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट करके रखा होगा, पॉजिटिव आता है तो भी मार्केट ने ऑलमोस्ट डिस्काउंट करके रखा होगा। कैसे आप रिजल्ट को प्ले कर सकते हो, अभी एक्सपायरी को बचे हैं करीब करीब, आज तारीख है 16 तारीख, करीब करीब आपको जो एक्सपायरी के लिए बचा है वो 10 दिन के मुश्किल से ट्रेडिंग सेशन बचे, तो उसके लिए एक ऑप्शन का ट्रेड है। वो ऑप्शन का ट्रेड आप चेक कर पा रहे होंगे, ये ट्रेड है HDFC बैंक का 1520 एट द मनी जो अभी चल रहा है, 1520 एट द मनी। अगर आप बुलिश हो, दोनों व्यू में बताऊंगा, बुलिश बेरिश दोनों के लिए मैं एक ट्रेड बताऊंगा। स्पॉट अभी क्लोज हुआ है 1521 के आसपास। अगर आपका व्यू बुलिश है, जो कि चार्ट पैटर्न बता रहा है बुलिश है, अगर आपका व्यू बेरिश है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि रिजल्ट खराब आएंगे और उस तरीके से आपका व्यू बेरिश है तो उसके लिए एक अलग ट्रेड है, वो भी मैं बताऊंगा। बुलिश अगर आपका व्यू है जैसा चार्ट बता रहा है, 1520 का एट द मनी कॉल जो कि 25 रुपये के आसपास चल रहा है वो खरीद सकते हो, एक कम मार्जिन लगेगा। खरीदने के टाइम 13,000 रुपए का आपको करीब करीब मार्जिन यहाँ पर पे करना पड़ेगा, प्लस उसी के सामने 1540 यानी यहाँ से 20 रुपए ऊपर का आपने कितने रुपए में खरीदा, 25 रुपए में खरीदा, 1540 20 रुपए ऊपर का 17 रुपए का आप ये जो कॉल ऑप्शन है इसको आप सेल कर सकते हो। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क टेकर हो तो और भी आगे 1540 की जगह 1560-1580 ये जगह का भी आप कॉल को सेल कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आपको रिस्क ज्यादा रखनी है तो। क्योंकि अगर आप समझो, अगर 1540 की जगह अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँ, अभी अगर आप 1520 का खरीद के 1540 का बेच रहे हो तो करीब करीब मैक्सिमम जो लॉस होगा आपको 4,200 रुपीज का होगा पर लॉट की मैं बात करूं, पर लॉट यानी एक
पर पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, एक आपने जो खरीदा एक बेचा, वो दोनों का मिला के आपको 400-200 रुपये का लॉस होगा, 30,000 रुपये का आपका मार्जिन जाएगा करीब करीब, वो 6,000 रुपये का फायदा होगा एंड ऑफ द डे, यानी कि एक्सपायरी के दिन अगर HDFC 1,528 यहाँ से करीब करीब 7 पॉइंट ऊपर, यहाँ से करीब करीब 7 पॉइंट ऊपर अगर HDFC बैंक क्लोज होता है 1,528 के आसपास, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और नीचे अगर जाता है तो फिर आपको 4,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। यही अगर आपको थोड़ा रिस्क बढ़ाना है तो आप इसको रिस्क बढ़ा सकते हो, 1,540 की जगह 1,560 कर सकते हो, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, ये भी है प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा रिस्क भी आपका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 14,000, रिस्क हो जाएगा 7,000। रिस्क बढ़ाना है तो आप थोड़ा फार आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल कर सकते हो, रिस्क कम रखना है तो जस्ट इसके बाद वाला जो कॉल ऑप्शन है उसको आप सेल कर सकते हो 1,540 वाला, तो आपका रिस्क लिमिटेड हो जाएगा। और पुट साइड भी अगर आपको चाहिए तो ऐसे ही आप पुट साइड का भी स्प्रेड बना सकते हो, 1,520 का पुट खरीद के 1,500 का पुट आप सेल कर सकते हो, फिर आई गेस 1,510 के आसपास के नीचे अगर क्लोज होता है इस महीने की एक्सपायरी के दिन, तो आप प्रॉफिट में आओगे, आपको आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये थे मेरे व्यू HDFC बैंक के ऊपर, मैं गलत भी जा सकता हूँ, ये मेरा प्योर इंडिपेंडेंट व्यू है, डिस्क्लेमर के साथ ही इसको लीजिएगा। धन्यवाद।